वेल निशाना तो अनन्या पे मारा जा रहा है, लेकिन गलती से कमल और सुनंदा पे लग जाता है, जिससे दोनों की जाग खुल जाती है और दोनों ही सस्पिशियस होते हैं कि कोई तो है कमरे के बाहर या अंदर जो परेशान कर रहा है। बट डेफिनेटली अनन्या को मालूम है कि कौन है, एंड शी फिगर्स इट आउट एंड बाहर आती है बात करने के लिए। एंड अगेन एज यूजुअल ऑलवेज अ रोमांटिक पोर्शन, दोनों को एक वो रोमांटिक मोमेंट चाहिए होता है, सो दैट्स देयर। केतकी के साथ तो हमेशा आर्ग्यूमेंट होता है उसके साथ, हर सिचुएशन में, हर स्टोरी लाइन में, हर जगह आर्ग्यूमेंट होता है उसके साथ। वो क्या जताना चाह रही है सबको मालूम है कि शी लव्स शिव, एंड उसके बाद उसको ये भी मालूम है कि अनन्या और शिव की शादी हो चुकी है, जो कि एक सच नहीं है, और जो उसका सच है वो शिव और अनन्या को ही मालूम है, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं बैठेगी क्योंकि उसकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, एंड डेफिनेटली शिव और अनन्या ने हर्ट किया एंड वो बदला लेना चाहती है उस चीज़ से। सो ये बात शिव को यू नो नोटिस में आती है, इसलिए वो उसके कमरे में जाकर उसको वार्निंग देने जाता है। ड्रामा भी कर रही है, जला रही है अपने आप को, तो कहीं ना कहीं ये जो ड्रामा चल रहा है उसमें अफेक्ट दोनों हो रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं? इफेक्ट मैं ऑनेस्टली बिकॉज उस सीन में शिव नहीं है, तो शिव का कुछ अंदाज़ा नहीं है उसमें, तो आई कैन नॉट टेक यू नो सी एनीथिंग अबाउट इट। लग भी गया है अनन्या को टेक केयर हो रहा है उसका। हाँ वो आई थिंक मैं पहले भी बता चुका हूँ आप सबको, कुछ नहीं उसके चूड़ियाँ टूटी हैं, खून निकला है, और बहुत ही मेजर ड्रामा है जहाँ पर सुनंदा आई थिंक सो उसको देख लेती है कि ये शिव ही मन है, एंड काफ़ी लाइक क्वेश्चन हैं वहाँ पर, बहुत डाउट क्रिएट होते हैं, एंड हाउ इट इज़ एग्जैक्टली देयर आई थिंक सो यू हैव टू वॉच द एपिसोड टू अंडरस्टैंड इट। मोस्ट वेलकम।